मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ट्रेनिंग के बीच में ही प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे. तो मैंने अप्रॉक्स 10 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली. एंड वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट जॉनर्स में. जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक चाइना के क्लाइंट के साथ भी काम किया था, तो उनका एक पॉडकास्ट था. मेरा नाम श्रुति कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ. मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में ही ख़त्म करी है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में. बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट इज़ नॉट समथिंग जो मुझे करना है हमेशा. तो मैंने काइंड ऑफ 1 ईयर 2 मंथ्स वहाँ पे जॉब करी. एंड उसके बाद अभी तो मैं फुल टाइम फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट हूँ. പിന്നെ എന്തിനാ സ്വൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകണം, അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്തമായ. മുജെ റിയലൈസ് അഭി കുറച്ച് ടൈം പേലേ ഹുവാ കി മേ ബച്ചപ്പൻ സേ ഹി മത്ലബ് യു നോ ഐസെ ആവാസേ നിക്കാൽത്തി തീ ലോഗോ കോ ഇമിറ്റേറ്റ് കർത്തി തീ ആഡ്സ് കോ സുൻതി തീ ബട്ട് മുജെ പതാ നീ താ കി ഐസി കോ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സിസ്റ്റ് കർത്തി ഹൈ. तो मुझे अच्छे से याद है, जैसे अभी मुझे लास्ट ईयर ही मेरे घर पे मैंने एक डॉग भी लिया था. तो उसको जब हम लाए थे तो मैं जैसे उसकी कैरेक्टर बनाती थी, उसकी पर्सनालिटी क्रिएट करके उसकी आवाज़ें निकालने लग गई. और वो वॉइस एकदम कंसिस्टेंटली मैं हर दिन करती थी एंड लोग भी उसको रिस्पॉन्ड करते थे. लोगों को लगता था कि उसी की वॉइस है काइंड ऑफ. तब ऐसे सर्च करते करते मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिली वॉइस इंडस्ट्री के बारे में. तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई कि ऐसी भी एक बड़ी दुनिया है. तो मैंने और थोड़ा रिसर्च करा एंड देन रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी अच्छा करियर बन सकता है अगर आप चाहो तो. ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया मकैन वेजी बर्गर पैटी और आलू टिक्की सैंडविच फ्राइज के तो साथ. फिर वैसे मैंने सर को फिर कॉल करा एंड उस वक्त तो मैं जॉब भी कर रही थी एक्चुअली, तो मेरे लिए वैसे बहुत हेक्टिक था. बट जब भी मैं जैसे सर को कॉल करती थी, इवन इफ वो कितना भी बिजी हो, मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है कि मेरे सेकंड रिंग पे ही वो फ़ोन उठा लेते थे. ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी. तो मुझे वो डाउट नहीं आया कभी कि ये सही होगा नहीं होगा, बिकॉज वो क्विक रिस्पॉन्स और उसके चक्कर में मैं ऐसे थे कि मुझे यही करना है, मुझे यहीं से सीखना है. क्योंकि सॉफ्ट ऐड कर रहे हो ना, तो इसमें थोड़ा पास भी आना पड़ेगा हमें और थोड़ा सा एंगल लेना पड़ेगा, राइट? ठीक है. और थोड़ा सा ऊंचा वॉल्यूम पे ही बोलना. सो बेसिकली बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए, बिकॉज मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ट्रेनिंग के बीच में ही प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे. तो मैंने अप्रॉक्स 10 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली. सो व्हाई स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम द लग्जरी एंड कंफर्ट यू डिजर्व. ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट अस. एंड वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट जॉनर्स में. जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक चाइना के क्लाइंट के साथ भी काम किया था, तो उनका एक पॉडकास्ट था. तो उस पर मुझे काफ़ी बड़ा काम मिला था. मुझे खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था ये ड्रीम है या समथिंग, बिकॉज मैं ट्रेनिंग के मिड में थी, मुझे 1 महीना कुछ हुआ था. एंड बट उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड मेरा वो वॉइस सेलेक्ट हो गया. एंड या तो काम तो काफ़ी सारा अभी तक मिला है. इवन अभी रिसेंटली मैंने एक गेम ऐप के लिए भी किया था, तीन पत्ती आपने सुना होगा, तो उस ऐप के लिए भी किया था. तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है. मैं नन्नी क्यों नहीं आ रही, डायपर तो लीक नहीं हुआ? ओह ये हैवी है और अंदर से गीला भी. अभी तक मुझे सबसे अच्छा कमर्शियल्स अच्छा लगता है. एंड जैसे अभी रिसेंटली एक ई लर्निंग प्रोजेक्ट था, बट उसमें कैरेक्टर वॉइसेस निकालने थे. तो बेसिकली कैरेक्टर वॉइस पसंद है, बट वो मैंने ई लर्निंग के थ्रू किया था. तो मुझे कैरेक्टर वॉइस, कमर्शियल्स कह लो एंड जिंगल्स, जैसे मुझे गाने का भी शौक है, तो मैं बचपन से गाने भी गाती हूँ. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और हेल्प कर रही है, बिकॉज वो मॉड्यूलेशन आता है उससे और फिर मैं जिंगल्स, रेडियो स्पॉट्स ये सब कर पाती हूँ. ये वाला ठीक है, बट इसमें मुझे ना एक और ऑप्शन दे दो जिसमें आप हर एक चीज को काफी थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे कि नो डाइस सिर्फ प्योर इंग्रेडिएंट्स. तो जैसे आप बोल रहे हो ना सिर्फ प्योर, अब ये तो एक फ्लैट उसमें चला गया, सिर्फ प्योर इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा स्ट्रेस कर रहे हो आप उस पे. सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग तो ये है कि मुझे लगता था मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ. जैसे अभी आपको फास्ट पता नहीं लग रहा है कि नहीं, बट जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगी तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी थोड़ी स्लो है पेस, जो कि बहुत बड़ा फीडबैक सर ने मुझे दिया था कि कोई कोई एड्स एंड ऑल में इतना स्लो नहीं बोल सकते हैं. एंड मुझे अच्छे से याद है मेरा एक मलयालम में ही प्रोजेक्ट था, तो उसमें पता नहीं मैंने क्या सोच के रैंडमली इतना स्लो भेज दिया. वो खुद ऐसे थे, मैडम ये एक वो है कमर्शियल, इतना स्लो थोड़ी होगा. सुनाता हूँ तो इसमें देखो अपनी मात्रा मिसिंग है. एक दबाए, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश. अकाउंट बैलेंस जानने के लिए एक दबाए.
तो वो असाइनमेंट एक्चुअली यू नो सेल्फ एवेल्युएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब वो असाइनमेंट करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि कहाँ, क्योंकि हम जब क्लास में होते हैं हमें लगता है कि वो मुझे सब आता है, ये तो बहुत ईजी है, अरे मॉड्यूलेशन डिक्शन तो सबसे हो ही जाएगा, पर जब एक्चुअल में आप यू नो बैठ के रिकॉर्ड करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि इतनी सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको देखनी है। तो वो काइंड ऑफ एक यू नो आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था कि खुद से रिकॉर्ड करो, फिर सर से फीडबैक लो। तो और ऊपर से सर जैसे बोलते हैं कि क्लास में मतलब अगर असाइनमेंट ना हुई हो तो आप मत आना मतलब क्लास में, तो वो भी एक अच्छी बात है बिकॉज वो मोटिवेट करता है तुमको कि यू नो करो तुम अच्छे से डिलीजेंटली अच्छे से दबाए। आप कह रहे हो एक दबाए, ठीक है, तो पूरा लेना पड़ेगा हमें, इट इज दबाए, दबाए, यस, ठीक है, ठीक है, ज्यादा कॉन्शियस मत होना, बट दबाए हैं बस ये। सो द मेन बेनिफिट जो मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले भी मैं मतलब जैसे बाकी जैसे हम स्टूडियोज एंड ऑल में कॉल करते हैं जानते हैं, तो उनमें से मुझे जो एक नेगेटिव जो काइंड मैं नाम नहीं लूँगी बट एक जो नेगेटिव वो चीज़ मुझे लगी थी वो यही था कि वो ऐसे थे कि देखो मैडम आप आ जाना जो भी कर लेना, बट उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको काम मिलेगा कुछ होगा आपके ऊपर है। तो वो काइंड ऑफ आई अग्री कि मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सर मुझे सारा काम दिलवाएंगे या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट एटलीस्ट वो एक रीअश्योरिंग वो एक फैक्टर होता है ना कि नहीं आप आओ तो आप हमें आप लेकिन आओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो वो काइंड ऑफ जो सपोर्ट है वो मुझे यहाँ से मिला है। जैसे मुझे पता है कि अगर कुछ भी जैसे सपोज क्लाइंट के साथ भी काम हो, कोई डाउट हो, तो मैं सर को कॉल कर सकती हूँ या मैसेज कर दूंगी तो वो रिप्लाई करेंगे। पर दूसरी जगह इट्स लाइक अगर हो गया तो बस खत्म, अपने रास्ते जाओ टाइप। तो वो एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक्चुअली कोई खास फर्क नहीं था, बिकॉज मुझे पहले लगा था कि ऑनलाइन में, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे यू नो देख के सीखना है और वो सब ना ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पहले ऑफलाइन ही मतलब किया था चूज। बट देन लॉकडाउन के चक्कर में जब मैंने ऑनलाइन भी करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा कोई फर्क तो दिखा नहीं। तो वहीं से वो फीडबैक भी मिलता, रिकॉर्डिंग भी होती है जैसे नॉर्मली क्लास में होती है, तो ऐसे कोई खास फर्क तो नहीं लगा मुझे। मैं तो सोच रही हूँ कि पहले से मैं ऑनलाइन भी लेती तो फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ। आसान काम तो बिल्कुल नहीं है मैं ये बोलूंगी, क्योंकि अभी जैसे 3 months से मैं ये लाइक फुल टाइम कर रही हूँ, तो लोगों को लग रहा होगा कि क्या है बस 1 minute का वॉइस ओवर है तो 1 minute लगता होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। 1 minute के वॉइस ओवर को करने में, एडिट करने में 1 घंटा लग जाता है। तो ये बहुत ही ऐसा काम है जिसमें डेली आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और ऊपर से सिर्फ लाइक वॉइस ओवर्स पे ही ध्यान नहीं देना, मतलब जैसे मार्केटिंग हो गया, उसको प्रमोट करना, पिचिंग करना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है एंड उसमें बहुत हार्ड वर्क लाइक रिक्वायर्ड है। और आप मतलब हमेशा यू नो क्योंकि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो रिजेक्शंस भी बहुत मिलते हैं, तो मतलब अगर आप दुखी होकर बैठ जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और मतलब ऑडियोज डेमोज भेजते रहो एंड सिलेक्शन होता है तो फिर वेल एंड गुड। राइट फ्रॉम रेडी टू वेयर आउटफिट्स टू प्लानिंग, कंसेप्चुअलाइजिंग एंड डिजाइनिंग, പേയ്മെന്റ് സുരക്ഷിതമായി പൂർത്തിയാക്കുക. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ സന്തോഷം പകർന്നു.